हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी मस्ती पे, और मैं हूं दीपक। तो आज हम बात करेंगे फिर से हमारा जो साइंस जो हमारा चल रहा था चैप्टर वन जैव प्रकरण, वही चैप्टर का हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो लेकर के इस वीडियो में आए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले हम ये जैव प्रकरण का चार वीडियो दे चुके हैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ स्टडी कराया था, चैप्टर रीडिंग कराया था चैप्टर वन लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रकरण, उसका ऑलरेडी चार वीडियो दे चुके हैं। और आज जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, क्योंकि हम चैप्टर खत्म करा दिए हैं, और आज हमारा फर्स्ट वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें मैं आपको इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करूंगा। ठीक है, बस आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, आप अगर वीडियो मेरा सभी वीडियो को अगर देखेंगे तो इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सब क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और उसी से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। ठीक है, आप वहां देखिए, और एक एक क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन ही मुझे क्लियर कराना है इस वीडियो में, क्योंकि मैं अपने वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज्यादा मैं लेकर के नहीं आऊंगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एकदम अगर एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो एकदम देखिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जो स्टूडेंट्स को एग्जाम निकालना है, तो वही स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ना पढ़ना इंटरटेनिंग के लिए, और अगर एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं तो जुड़ने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हृदय के विस्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है, हृदय के विस्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन बोर्ड पर दिखता होगा सिस्टोल कहलाता है, सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी है डायस्टोल कहलाता है, थर्ड ऑप्शन हृदय संकुचन कहलाता है, और फोर्थ ऑप्शन जो आपका होगा तालबद्ध संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तालबद्ध संकुचन। तो आपको जो यहाँ पर देखा ही जाता होगा सिस्टोल फर्स्ट आपका ऑप्शन हो गया, सेकेंड आपका था डायस्टोल जो है, थर्ड है हृदय संकुचन, फोर्थ है तालबद्ध संकुचन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? वो होगा बी। ठीक है, आपको बी दिखाई दे रहा है, बी जो होगा एकदम सही आंसर है, डायस्टोल होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, बृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता होगा। ठीक है, पहले इसको मिटा दीजिए। देखिए आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिखता होगा उत्सर्जन, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है पोषण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका परिवहन। ठीक है, फर्स्ट क्या उत्सर्जन, सेकेंड है श्वसन, थर्ड है पोषण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका परिवहन। तो बृक्क जो होगा भाई वो होता है उत्सर्जन से रिलेटेड, किससे है? उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बृक्क जो संबंधित है यानी रिलेटेड जो है किससे? उत्सर्जन से है। फर्स्ट ऑप्शन उत्सर्जन क्या है? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अवशिष्ट जो है वो संचित रहते हैं किसी से, फर्स्ट ऑप्शन है आपका किस में रहते हैं, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पत्तियों में, सेकेंड ऑप्शन है छाल में, थर्ड ऑप्शन है आपका कोशिकीय रिक्तिकाओं में, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भाई इसका जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा, पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिका रिक्तिकाओं में भी, तीनों में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा? जो इनमें सभी ऑप्शन है सही है, सब में रहता है। ठीक है, पत्ती में भी रहेगा, छाल में भी रहेगा, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा रक्त, सेकेंड ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, थर्ड है वृक्क, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अग्नाशय। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, श्वेत ग्रंथि। नहीं, क्या होगा? श्वेत ग्रंथि, याद कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, श्वेत ग्रंथि होगा। ठीक है, श्वेत ग्रंथि जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, उसमें भी प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4।
तो इसका जो आंसर होगा चार होगा कि मानव हृदय में जो व्युत्कोष्ठ है वो कितने हैं, चार है। तो ऑप्शन डी भैया याद रख लीजिए क्या होगा, चार है, एकदम सही है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, चार होते हैं, चार में टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी आपको चार कहीं भी नजर मिलेगा ऑप्शन, एकदम सही आंसर है, मानव हृदय में चार कोष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता होगा हरा, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन आपका लाल और फोर्थ ऑप्शन है आपका सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ना उसमें कैसा रंग होता है, हरा होता है कि नीला होता है कि लाल होता है कि सफेद होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होगा वो होगा क्या होगा, हरा, हरा प्रकाश संश्लेषण में होता नहीं, ऑप्शन ए हमारा टिक हरा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है बायवीय, सेकंड ऑप्शन है आपका अवायवीय, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी बायवीय भी होगा अवायवीय भी होगा, और फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है हमारा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, यानी बायवीय और अवायवीय दोनों होगा। तो ऑप्शन सी जो कह रहा है आपको कि ए एवं बी दोनों, ठीक है, यानी कि वायवीय भी होगा अवायवीय दोनों होगा। ठीक है, क्या होगा, वायवीय भी होगा अवायवीय, इसलिए सी ऑप्शन जो है एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है वो वायवीय और वायवीय श्वसन वाहक होते हैं, यानी श्वसन श्वसन में बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या बनता है, श्वसन में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखता होगा, स्वपोषण होता है, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता होगा कि कवकों में, सेकंड ऑप्शन है हरे पौधों में, थर्ड ऑप्शन है जंतुओं में और फोर्थ ऑप्शन है सभी जीवों में। तो जो स्वपोषण जो होता है वो क्या होता है, स्वपोषण, स्वपोषण जो खुद पे आश्रित हो वो सिर्फ हरे पौधों में होगा, इसमें होगा हरे पौधों में। तो ऑप्शन आपका बी है, क्या है, ऑप्शन बी आपको दिखता होगा, स्वपोषी हरे पौधों में होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें हरे पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, निम्नलिखित में क्या है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है पत्ती, सेकेंड हरित लवक, थर्ड है ग्रेना और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्ट्रोमा। तीन पत्ती, सेकेंड हरित लवक, थर्ड है ग्रेना और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रोमा। तीन चार ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषी जो अंग होगा वो हरित लवक, ऑप्शन बी इसका भी क्या होगा, बी होगा, याद रखिए हरित लवक होता है नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग है हरित लवक। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सेकेंड है वाष्प सर्जन क्रिया, थर्ड है श्वसन और फोर्थ ऑप्शन है आपका चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य होगा, ऑप्शन सी आप ऑप्शन सी में ठीक लगाइए, किसमें लगाइए, ऑप्शन सी कह रहा है कि श्वसन, ठीक है, क्या कह रहा है, श्वसन, तो श्वसन एकदम सभी जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, श्वसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पारगम्य, सेकेंड है अपारगम्य, थर्ड है अर्ध पारगम्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पारगम्य हो गया अपारगम्य, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पारगम्य झिल्ली का है, सेकेंड है अपारगम्य, थर्ड कर रहा है अर्ध पारगम्य और फोर्थ कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य होता है, क्या होता है, ऑप्शन सी इसका भी होगा, अर्ध पारगम्य, यही है ऑप्शन आपका सी, एग्जैक्ट आंसर है अर्ध पारगम्य। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, इष्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा शैवाल, सेकेंड ऑप्शन है आपका कवक, थर्ड ऑप्शन है आपका जीवाणु और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं।
तो इष्ट एक कवक है, बी कवक, इष्ट एक कोशिकीय जीव है जो एक कवक है, ठीक है, क्या है कवक, ऑप्शन आपका फर्स्ट बी है, सॉरी बी होगा, क्या होगा बी लिख लीजिए, ठीक है बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ गया, इष्ट एक कवक बरका जीव है जो एक कुश्की जीव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, दही जो जमता है दूध से वो कौन सी क्रिया द्वारा होती है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपघटन, सेकेंड है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको कर रहा है किण्वन, और फोर्थ ऑप्शन आपको कर रहा है उत्सर्जन। तो दही जमने में जो क्रिया होती है आखिर कौन सी क्रिया है मुझे यही बताना है ना, तो ऑप्शन आपका सी क्या कह रहा है देखिए, गौर से आपको बोर्ड पर दिखता होगा, दही जमने में जो कौन सी क्रिया है, तो जो आपका ऑप्शन सी है किण्वन, किण्वन होगा, क्या होगा किण्वन, ऑप्शन सी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है किण्वन, किण्वन, ठीक है, कौन सी क्रिया है किण्वन क्रिया, दही जमना किण्वन क्रिया होती है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, क्वेश्चन क्या है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है जड़ों में पाई जाती है, सेकेंड ऑप्शन कर रहा है पत्तियों में पाई जाती है, थर्ड ऑप्शन कर रहा है फूलों में, और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है फलों में। रक्षी कोशिका जो पाया जाता है वो पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी, किसमें पाया जाता है पत्तियों में, इसको याद रखिए, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी में टिक लगाइएगा, पत्तियों में पाया जाता है रक्षी कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जिसमें आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो है वसा, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज, और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की, किसकी होती है ग्लूकोज, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होगी, ठीक है ऑप्शन सी, किसकी प्राप्ति होगी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी सभी क्वेश्चंस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आप क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा, और मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताया सभी सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर आप रट लेते हैं याद कर लेते तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आसानी से आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।